सारी रानी मारा दिल की दीवानी। सो हेलो गाइस, सो गाइस आज का वीडियो ना काफी स्पेशल होने वाला है, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना तभी आप अच्छे से बनाना सीख पाओगे और समझ पाओगे, ठीक है। तो गाइस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ओके। और गाइस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज करूंगा सभी मटेरियल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं करो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं सभी मटेरियल टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, ओके। तो ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो गाइस यहाँ पे मैं लाइट मोशन को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट बार लाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद जस्ट प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद बीटमार्क और टेक्स्ट इफेक्ट की प्रीसेट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको अलाइट मोशन में ऐड करने के बाद ओपन करना है सॉन्ग बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट, ओके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अपने को सॉन्ग बीटमार्क का प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अपने को फोटोज़ को ऐड करना, ओके। तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड मीडिया पर आ जाना, जिस फोटो का वीडियो क्रिएट करना उस वाली फोटो को अपने को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस वाली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद अपने को फोटो के जस्ट साइड यहाँ पे इस तरह से प्रेस करके रखना है और फोटो को ग्रुप के नीचे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इस वाली फ़ोटो की लेंथ को अपने को जहाँ तक ग्रुप है वहाँ तक बढ़ा लेना है। सो यहाँ पे आने के बाद फोटोज़ पे क्लिक कर दीजिएगा और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसकी ओपेसिटी अपने को कम कर लीजिएगा, ओके। तीस करने के बाद फोटोज़ पर क्लिक कर देना है वापस से एंड यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है और एड इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेचुरेशन ऐड कर लेना, ठीक है। वाइब्रेशन सेचुरेशन का इफेक्ट है, उसको ऐड कर लीजिएगा। सो इसको ऐड करने के बाद सेचुरेशन को ओपन कर लेना है और इसको यहाँ पे कम माइनस में कम कर लीजिएगा। सो कुछ इतना करने के बाद अब अपने को इस ग्रुप में फोटोज़ को ऐड करना, ओके। तो सिंपल सा ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिएगा कोई से भी एक ग्रुप को और एडिट ग्रुप वाला ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे अंदर एक और ग्रुप देखने को मिलता है, उस वाले ग्रुप पे वापस से क्लिक करना। एडिट ग्रुप में आने के बाद यहाँ से फोटो को आप चेंज कर सकते हो, ये फोटो है तो मैं इसी फोटो को रहने देता हूँ, ठीक है। तो वापस से बैग आ जाना और इधर मैं इनको बंद करके रखा था, इनको आप सभी को ऑन कर लीजिएगा एक एक करके, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट का लेयर, अगर सॉन्ग को चेंज करना है तो सिंपल सा टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना और यहाँ से आप दूसरा सॉन्ग लेयर ऐड करोगे तो दूसरा लेयर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ, तो राइट पर क्लिक कर देना है। सो कुछ इतना करने के बाद बैग आ जाना है, तो ये जैसा ही वैसा ही आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वाले ग्रुप को भी सिंपल उसी सेम वही प्रोसेस करना है, सिंपल सा उसी ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिएगा, एडिट ग्रुप में आ जाना है और यहाँ से इन दोनों को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, तो सभी में इस तरह से कर लीजिएगा, मैं करके दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने इस तरह से चारों ग्रुप को इस तरह से ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐड कर लेना, कुछ इतना ऐड करने बाद आगे फोटोज़ को ऐड करना, ये ग्रुप लेंथ बढ़ चुके तो इसको एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से ट्रिम कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद प्लस पे क्लिक करना, मीडिया में जाना और वापस से सभी फोटो को ऐड कर लेना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करते रहना। तो यहाँ पे इस वाली फोटो को सिलेक्ट करने के बाद इसकी लेंथ को अपने को इस वाले एरो पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बिट पे आ जाएंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लेना है। फिर से प्लस पे क्लिक करना है, फिर से मीडिया में आना है, फिर से नेक्स्ट वाली फोटो को सिलेक्ट करना, इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से, और फिर से नेक्स्ट वाली फोटो को ऐड करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करते रहना। सो इस तरह से यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सभी फोटो ऐड करने के बाद जो टेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट होता है उसको ओपन कर लेना है। तो आप वीडियो को देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करते रहना, ओके। तो गाइस यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहने देना और सभी को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। टेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आना और कॉपी 11 लेयर कर लेना है और वापस से बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे बीटमार्क को ओपन करने के बाद जैसा है वैसा ही रहने देना और यहाँ पर क्लिक करने के बाद पेस्ट सभी 11 लेयर कर लेना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर इस तरह से सभी को पेस्ट कर लिया हूँ, इस वाले HDR और सॉन्ग लेयर को भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ से अपन ने आगे सॉन्ग लेरिस तो आ चुका है अपना यहाँ पे, ओके। यहाँ से अपनी फ़ोटो है तो यहाँ पे सॉन्ग लेरिस आ चुका ही है, तो यहाँ पे नीचे शेडो को ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और एक शेप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, फिल कंप्रेशन एरिया कर लीजिएगा, यहाँ पे कलर फिल वाले ऑप्शन में जाना है और नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे शेडो को क्रिएट कर लेना है। सो इतना करने के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर है वहाँ पे क्लिक कर देना और इसको वाइट हटा देना, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको हटा देना है और जो यहाँ पे वाइट है उसमें ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे शेडो बन के रेडी हो जाएगी, इसकी लेंथ को एंड तक बढ़ा लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये बढ़ जाए, बन के रेडी हो चुका है। ये वाले वीडियो को आप इस वाले वीडियो को कॉपी करके आगे पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं
रहने देता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।